और देखिए आज भी हम बात करने वाले हैं जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर, श्री कृष्ण के वो पांच बातें जिन्हें अपनाकर आप जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं, इन्हीं को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास विषय की। पुराणों और शास्त्रों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी का अवतार है। विष्णु जी ने माता देवकी और वासुदेव जी के वंश में कान्हा के रूप में जन्म लिया था। पृथ्वी को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए कन्हैया पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। उनका पूरा जीवन मानव जाति के लिए सीख था। बचपन में गोकुल और वृंदावन में अपने नटखट रवैये और शैतानियों से उन्होंने खेल खेल में लोगों को सही और गलत सिखाया। गांव की महिलाएं और लड़कियां जो यमुना में स्नान करने जाती थी, उनके कपड़े चुरा कर कान्हा ने एक बड़ा संदेश दिया। राधा से प्रेम किया लेकिन विवाह नहीं किया। इसके जरिए भी उन्होंने धर्म और कर्म के बारे में सिखाया। महाभारत में अर्जुन का सारथी बन पाप और असत्य के खिलाफ युद्ध के लिए अपनों के विरुद्ध खड़े होने का पाठ पढ़ाया। धर्म विशेषज्ञों के मुताबिक श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलकर जीवन की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। उनके जीवन की कुछ बातों को अपनाकर कोई भी अपनी जिंदगी में सफलता पा सकता है। 18 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और इस दिन कन्हैया का जन्म हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर देवकी नंदन की वो पांच बातें जाने जिन्हें अपनाकर जीवन में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। मुश्किल वक्त में दे साथ। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे और कृष्ण द्वारिकाधीश थे, यानी एक राजा बन चुके थे। लेकिन जब सुदामा को मदद की जरूरत थी तो श्री कृष्ण ने उनका साथ दिया। और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण उनकी मदद के लिए आ गए। जब पांडव और कौरवों का मुकाबला हुआ, तब भले ही कौरवों के पास ज्यादा सेना, बड़े से बड़े धुरंधर थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने मित्रों यानी पांडवों का साथ नहीं छोड़ा। जब भी श्री कृष्ण को मदद के लिए पुकारा गया तो कान्हा हमेशा उनकी मदद के लिए आगे आए। दोस्ती में हैसियत ना देखें, ये भी महत्वपूर्ण सीख सिखाई है उन्होंने। कृष्ण और सुदामा की मित्रता की मिसाल दी जाती है। एक राजा और एक गरीब बचपन में शिक्षा के दौरान आश्रम में मिले। सालों बाद परिस्थितियां बदली, सुदामा के आर्थिक हालात बहुत बिगड़ गए, लेकिन केशव को सुदामा के गरीब होने या भिक्षा मांगकर परिवार का भरण पोषण करने पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उनके लिए सुदामा बाल सखा थे, सुख दुख के साथी थे। एक राजा होते हुए भी उन्होंने सुदामा के महल आने पर उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया, खुद सुदामा के चरणों को धोया। मित्रता में कन्हैया ने कभी हैसियत नहीं देखी। सही राह पर चलने की सलाह देते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण खुद धर्म के मार्ग पर चले और अन्य लोगों को भी सही धर्म पर चलने की प्रेरणा दी। धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने कौरवों की सेना का सामना करने के लिए पांडवों को प्रेरित किया। जब युद्ध मैदान में अर्जुन के सामने उनके परिवार के लोग खड़े थे, जिनसे युद्ध करने के नाम से अर्जुन व्याकुल हो गए, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ सुनाया। सारथी बनकर पूरे युद्ध में अर्जुन के साथ चलते रहे और धर्म की लड़ाई में पांडवों का साथ दिया। शांति का पाठ दिया पूरे विश्व को। भले ही महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर उनकी सहायता की, भले ही कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को अपने ही रिश्तेदारों से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जब इस युद्ध का आगाज होने वाला था तो कन्हैया ने महाभारत रोकने का प्रयत्न भी किया था। वो स्वयं कौरवों के पास पांडवों का शांति दूत बनकर गए थे। वो चाहते थे कि ये विवाद शांति से निपटाया जाए। हालांकि कौरवों ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और महाभारत का युद्ध फिर भी हुआ। प्रेम आध्यात्मिक है, ये विचार भी श्री कृष्ण के हैं। कृष्ण और राधा का नाम हमेशा एक दूसरे के साथ लिया जाता है। राधा रानी कृष्ण की प्रेमिका थी, लेकिन दोनों ने विवाह नहीं किया। कृष्ण ने अपने प्रेम और विवाह से लोगों को ये समझाया कि प्यार आत्मा का रिश्ता है, भौतिकता का नहीं। राधा उनकी आत्मा थी। राधा और कृष्ण एक ही हैं। आत्मा और शरीर की शादी नहीं होती, वो तो एक ही होते हैं। इसके अलावा कृष्ण ने ये भी
शिक्षा दी कि प्रेम मुकम्मल ना होने पर अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। जीवन से हार मानकर पीछे भागने से बेहतर है कि वो काम करें जिसके लिए आप इस दुनिया में आए, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी के दिन आप इन चीजों की खरीदारी जरूर करें। तो ये थी वो सीख जो थी भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन से। तो उनकी जीवन शैली को अगर हम जानते हैं तो ये भी जानते हैं कि आखिरकार इस तरह से उन्होंने पूरे विश्व को शिक्षा दी है, ना सिर्फ गीता के जरिए बल्कि उनके जीवन में हुए हर एक क्षेत्र के माध्यम से उन्होंने हर एक व्यक्ति को एक शिक्षा दी है। तो विश्व के हर एक व्यक्ति के लिए उनके जीवन से शिक्षा का एक अलग अर्थ निकल कर आता है, आप भी जान सकते हैं। चलिए फिलहाल इसी के साथ इस विषय पर हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं जानना भगवान श्री कृष्ण को लेकर या चाहते हैं जानना एस्ट्रोलॉजिकल उपायों को लेकर तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें। फिलहाल इसी के साथ चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।